का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होवे के बाद अब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा की रीति नीति सिद्धांतों में नहीं घुल पाए हैं। जो सवाल हमने नहीं उठाओ, बल्कि जो सवाल उठाओ है मध्य प्रदेश के बड़े भाजपा नेता और केंद्र की सरकार में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल में थे और उन्होंने बयान दो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भाजपा के रीति नीति सिद्धांतों में पूरी तरीके से नहीं घुले हैं, नए नए आए हैं और उन्हें तनक टेम लगे। सुनो जरा क्या बोले हैं नरेंद्र सिंह तोमर। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। वो परंपराओं से प्रक्रियाओं से पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा की ताकत बनेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल क्षेत्र की चुनावी सभा में जी तरीके से पूरे चुनाव प्रचार को अपनों बता रहे हैं, ऊखो लेके भाजपा को संगठन नाराज बताओ जा रहा है और नरेंद्र सिंह तोमर को बयान भी यही से जोड़ के देखा जा रहा है। जरा आपको फिर से सुनवाएं जो कचुदना पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दो तो कि ग्वालियर चंबल संभाग को उपचुनाव सिंधिया परिवार के झंडे के लाने हैं। हमारी आपकी है, ये चुनाव नरेंद्र सिंह सिसोदिया का नहीं है, ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का नहीं है, ये आपको समझना है। ये चुनाव पूरी देश देख रही है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सिंधिया परिवार का झंडा बुलंद होगा क्या नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सिंधिया परिवार का नाम रखना है, सिंधिया परिवार का मान सम्मान रखना है तो 3 तारीख को ना देखना है प्रत्याशी, ना देखना है पार्टी, केवल मुझे और शिवराज सिंह जी को देखो और कमल के फूल के पटल को दबाओ। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक भाजपा में आ गए और अब उपचुनाव में सबरे समर्थकों को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की है, लेकिन भाजपा संगठन के काम करने की अपनी स्टाइल है और इस स्टाइल में सिंधिया नहीं ढले तो मुश्किलें तेमानियों। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।